मदन राठौर को राजस्थान की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। खासकर जयपुर अध्यक्ष पर सबकी निगाहें टिकी है। बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष पद पर सालों से ब्राह्मण और वनीय वर्ग का वर्चस्व रहा है। अब क्षत्रिय समाज से किसी को जयपुर शहर अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। जयपुर जिला अध्यक्ष के अंतर्गत कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं, सिर्फ एक सीट पर क्षत्रिय जाति के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी किसी क्षत्रिय वर्ग के नेता को जयपुर की कमान देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बीजेपी को नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में युवा क्षत्रिय चेहरे पर भरोसा जताकर बेहतर परिणाम की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में शहर की कुछ सीटों पर बीजेपी को कम मतों से हार मिली है। वहीं राजस्थान बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव हो सकते हैं। कुछ नेताओं के बाहर जाने की तो कुछ नेताओं के शामिल होने की भी खबरें हैं। इसके अलावा मौजूदा पदाधिकारियों में से कईयों को प्रमोशन भी मिल सकता है। गिरिधरारी लाल, कालीचरण गोपाल माली, सुरेंद्र पालिक, राघव शर्मा, शैलेंद्र भार्गव, संजय जैन, मोहनलाल गुप्ता, सुनील कोठारी, राघव शर्मा को बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंप चुकी है। अब तक 4 ब्राह्मण, 4 बनिए, 1 माली को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है। गोपाल माली चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने थे, बाकी को सिर्फ पार्टी ने जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है। वही किशन पोल, आदर्श नगर, हवा महल, सिविल लाइन, सांगानेर, मालवे नगर, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर में आते हैं। हालांकि जोटवाड़ा और बगरू विधानसभा के भी कुछ हिस्से अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र का केवल आमेर कस्बा और वर्तमान में केवल 4 वार्ड जयपुर जिले में आते हैं। अब बीजेपी जयपुर शहर अध्यक्ष पद पर जल्द मोहर लग सकती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।